माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कल रिजल्ट अपने जारी कर देगा। 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का रिजल्ट शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, 12वीं विज्ञान यानी साइंस स्ट्रीम और साथ ही वाणिज्य यानी कॉमर्स का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा शाम 4 बजे का अभी वक्त यहां पर बताया जा रहा है, जब रिजल्ट जो है राजस्थान बोर्ड की तरफ से जारी किया जाएगा। इससे पहले सीबीएसई की तरफ से और प्रदेश के अंदर रिजल्ट जो है वो जारी किए गए थे 10वीं और 12वीं के, तो वहीं अब 12वीं का जो रिजल्ट है वो जारी होने जा रहा है राजस्थान बोर्ड की तरफ से। कल 12वीं का जो रिजल्ट है वो घोषित यहां पर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का रिजल्ट जो है वो कल डिक्लेयर होगा, घोषित होगा शाम 4 बजे इसका ऐलान होने जा रहा है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से तैयारी यहां पर कर ली गई है 12वीं के रिजल्ट को लेकर। कल इसका वक्त जो है बताया जा रहा है कि कल जारी किया जाएगा, शाम 4 बजे का वक्त होगा। मनवीर जी मीडिया संवाददाता के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनवीर, कल घोषित होगा रिजल्ट, किस तरीके की तैयारी बोर्ड की तरफ से और किस तरीके का इंतजार छात्रों को होगा? देखिए, बोर्ड द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल शाम को 4 बजे सीनियर सेकेंडरी विज्ञान और वाणिज्य ये दोनों परिणाम एक साथ जारी किए जाएंगे। अगर बात आंकड़ों की करते हैं तो विज्ञान वर्ग में इस वर्ष 2,08,617 जो परीक्षार्थी थे वो पंजीकृत किए गए थे और वाणिज्य वर्ग में 42,146 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। ये तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो लंबे समय से बोर्ड के इस परिणाम का इंतजार कर रहे थे और कल शाम 4 बजे ये इंतजार है वो समाप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, बोर्ड की ये परंपरा रही है कि बोर्ड का जो परिणाम है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इस बार आचार संहिता के चलते हुए ये जो परिणाम है बोर्ड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नथपल डिडेल उनके द्वारा जारी किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल का इंतजार यहाँ पर होगा 12वीं का रिजल्ट जिस तरीके से घोषित होगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, और कल शाम 4 बजे का वक्त जो है इसके लिए बताया जा रहा है।